Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Finally guys, I am making video on my footwears. So yes, मैं गरीब हूँ इसीलिए इतनी महंगी कलेक्शन तो नहीं है मेरे पास. बट सी गाइस, थोड़ी सी मेरी कलेक्शन है. उससे पहले मैं बता दूं कि अभी जो आपने रिसेंटली देखा होगा मेरे H&M का हॉल, अगर आप नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. एंड आज मैं आप लोगों को मेरी फुटवेयर कलेक्शन थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज आई लव कलेक्टिंग फुटवेयर्स. रिसेंटली थोड़ा बहुत कलेक्ट किया है, कुछ थ्रिफ्ट स्टोर से, इंस्टाग्राम पेज से, कुछ ब्रांड, कुछ नॉन ब्रांड. आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस. उससे पहले बता दूं गाइस, मैंने अपनी आई मेकअप आज ऐसे करी है, कुछ नया ट्राई किया है. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको अच्छा लगा कि नहीं. एंड गाइस, मेरी स्किन थोड़ी सी चमक रही है जस्ट बिकॉज मैंने फैन ऑफ कर रखा है, इसीलिए मेरे थोड़ी सी स्वेट हो गई है. तो आई थिंक ग्लोई स्किन अच्छा लग रहा है. ओके सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फुटवेयर. रिसेंटली मैंने बाय किया है H&M से. एज यू गाइस नो, मेरे पिछला वाला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, सॉरी वीडियो में, होल वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा. दिस पेयर्स आर फ्रॉम H&M एंड मैं ये वाला तो अपने पास रखूंगी, ये वाला मैं ड्रिफ्टिंग स्टोर पे डाल दूंगी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो चेक इट आउट. पेज का नाम यहाँ पे मैं डाल दूंगी. नेक्स्ट इज दिस इज फ्रॉम Forever 21. मैंने इसे बाय किया था अपने बर्थडे पे एंड मैंने अभी तक यूज नहीं करा एंड आई डोंट थिंक सो कि ये मेरा काम आएगा. मैं इसे भी ड्रिफ्टिंग स्टोर पे डाल दूंगी. ओके सो नेक्स्ट इज गाइस, ये चप्पल, ये सैंडल, ये हील वट्स एवर, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं. ये है टाई नॉक वाला, विच इज फ्रॉम SSS एंड मैंने पहले भी बाय किया था 36. वो मुझे टाइट हो रहा था इस वजह से फिर से मैंने दोबारा मंगाया. ये है 37 का, बट ये मेरे पैर में बिल्कुल भी नहीं आ रहा. सो आई थिंक मैं इसे भी यू नो थ्रिफ्टिंग स्टोर पे डाल दूंगी. एंड पहले वाला तो मैंने पेज से खरीदा था, कोई थ्रिफ्टिंग स्टोर का पेज से खरीदा था, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने ये चप्पल पहनते हुए देखा था एंड आई जस्ट लव दिस वन. आई थिंक उसने मुझे 1000 से ज्यादा में ही बेचा था, बिकॉज आई हैड नो आइडिया अबाउट द ब्रांड, बिकॉज यहाँ पे SSS लिखा है. मुझे बाद में पता चला जब वो मेरे पास आया था, वो स्लीपर एंड सॉरी स्लीपर नहीं सैंडल. बाद में देखा तो मैं थ्रिफ्टिंग स्टोर का नाम ही भूल गई और शायद से मैंने सर्च किया था, मिलाने में भी मुझे ब्लॉक कर दिया, रिटर्न पॉलिसी भी नहीं था. इस बार मैंने इसे ऑफिशियल पेज से ऑर्डर किया है, इंस्टाग्राम से. द नेक्स्ट इज गाइस, इट इज आल्सो अ टाई नॉक सैंडल, बट आई जस्ट लव इट. पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड ये भी नी तक आ जाता है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल. बट एक ही चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, विच इज यहाँ पे प्राइस टैग. ये मैं अपने पास रखूंगी बिकॉज आई जस्ट लव इट. ये भी मैंने ऑफिशियल पेज से मंगाई है. SSS में ये मेरी फर्स्ट शॉपिंग होगी, बट इसको आने में, इसको डिलीवरी होने में काफ़ी टाइम लग जाता है. बट नो रिफंड, रिफंड का मुझे पता नहीं इसीलिए. और मुझे पसंद नहीं है कि मैं अगर किसी चीज़ को ऑर्डर करूँ, उसे बार बार रिफंड करूँ, उसके लिए वेट करता रहूँ. मेरे पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है. एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज, मैं ये शेयर करना चाहूँगी गाइस, ये मैंने इंस्टाग्राम थ्रिफ्टिंग स्टोर से ऑर्डर किया था. सी दिस, I just loved it. So guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये स्नीकर के बारे में बात करते हैं, जो कि है दियोर दाउर डेर की है whatsoever. एंड ये है 1140 US डॉलर, विच इज इंडियन करेंसी में है लगभग 88,000 अप्रोक्स. एंड अभी सेल पे चल रहे हैं 850 US डॉलर, जो कि अप्रोक्स है 65,800 अप्रोक्स. सच बताऊं गाइस, मुझे इसकी कारीगरी वर्क इतनी प्यारी लगी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं खरीद लेती हूँ. ब्रांड रहा लग्जरी, और तुम्हारे बहन खरीद तो नहीं पाते, हम हमारे औकात से तो बाहर है ये फर्स्ट हैंड में, तो हमने सोचा कि सेकेंड हैंड ही सही, तो हम अपने पैर में भी चमचमाते हुए स्नीकर पहनेंगे हैं. बट गाइस सी, ये मैंने इसी मंथ पे ऑर्डर करी थी एंड मैंने एक बार भी नहीं पहना, बट जस्ट लुक एट दिस गाइस. इसमें ऐसा क्या दाना दाना हो गया, लाइक
ब्लैकेट्स निकल गए, यहाँ पे भी है, इतनी गंदी दिख रही है। स्टार्टिंग पे शायद इतना ज़्यादा नहीं था, अभी ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया मुझे इसे लेके रखा हुआ, मैंने एक बार भी नहीं पहना, बट सी ऐसा हो गया। एंड आई थिंक आई हैव पेड दिस फॉर 1800 or 1700। एंड गाइस एक मैं दुख भरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। दिस बूट्स, ये नी लेंथ वाली बूट्स है विच इज़ फ्रॉम ज़ारा, एंड ये बहुत लंबी है और मैंने इसे कोलकाता से ख़रीदा था। मैंने खरीद के बस एक ही बार पहनी थी, सी चूहा ने क्या हालत कर दी। आई स्वेयर टू गॉड मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना कर्ज देने का मन किया उस चूहे को, क्या करूँ। एंड आई थिंक ये शायद मैंने 4 या 5 हज़ार में ख़रीदा था ये, एंड अब मैं इसका क्या करूँ, मेरा दिल इतना दर्द हो रही है मैं बता नहीं सकती। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। ओके दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गो फॉलो माई ड्रिफ्टिंग पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड पिक योर टेस्ट। और नेक्स्ट टाइम से मैं शायद से मेकअप वीडियो डालूँ या स्किन केयर रूटीन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय गाइस, थैंक यू।